हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी ग्रुप पे मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे इनडेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। आज हम सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसके कितने फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप कौन सा है कि इसमें हम सभी टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 वेरिएबल के साथ कोफिशेंट लगा हुआ, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म है या रियल नंबर है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। एक्स डी एक्स प्लस ये या 4, इसको भी हम बाहर ले लेंगे और अंदर रहेगा 1 डी एक्स। तो ये पहला देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। एक्स पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी 2 प्लस 1 माइनस 3 बाहर था। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, यानी कि 4x प्लस में c। तो ये आ गया एक्स की पावर 3 बाय 3 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 2 बाय 2 प्लस 4x प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब है सेकंड क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइन 2x प्लस cos 2x dx। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइन 2x प्लस में cos 2x। सबसे पहला स्टेप है इनको अलग अलग करेंगे। साइन 2x dx प्लस cos 2x dx। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, उल्टा। ये एंटी डेरिवेटिव है। तो इसी तरह cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, माइनस cos x। तो यहाँ पे भी sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x। तो ये होगा माइनस cos 2x। तो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट दिया हुआ तो बाय में आ जाएगा। प्लस फिर cos 2x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये आएगा sin 2x बाय में 2 प्लस c। तो ये था इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में x की पावर 2 बाय 3 प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस 1 बाय x ये dx। सबसे पहले इनको अलग अलग करके लिखेंगे। तो x की पावर 2 बाय 3 dx प्लस कांस्टेंट साथ में दिया हुआ रियल नंबर, तो इसको बाहर ले लेंगे। e टू दी पावर x dx माइनस 1 बाय x dx, इसको हम इरेज कर दें। तो देखिए x की पावर 2 बाय 3 है, तो क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और नीचे भी वही सेम का सेम लिख देते हैं, 2 बाय 3 प्लस 1 प्लस 2। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x होता है, सेम। इसी तरह 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड ऑफ
एक्स प्लस सी। तो इसको सोल्व करके लिख देंगे, x की पावर 2 बाई थ्री प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 बाई थ्री, और यहाँ भी 5 बाई थ्री प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस लॉग मोड ऑफ x प्लस सी। इसी तरह ये 5 बाई थ्री डिवाइड में है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 बाई फाइव बन जाएगा, 3 बाई फाइव एक्स की पावर 5 बाई थ्री प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस लॉग मोड ऑफ x प्लस सी। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 1 बाई एक्स होता है लॉग मोड ऑफ x, क्योंकि अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, तो यानी कि जो n की वैल्यू है वो माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 1 बन रही है, क्योंकि 1 बाय x को हम x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो जब माइनस 1 है पावर तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसका सीधा फॉर्मूला है लॉग मोड ऑफ x। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, x प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहला स्टेप इनको अलग अलग करके लिखेंगे, x डी एक्स प्लस में 1 बाय एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया था लॉग मोड ऑफ x प्लस सी। तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस लॉग मोड ऑफ x प्लस में सी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, पहला स्टेप क्या होगा, अंडर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर 1 बाई टू को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स को, डी एक्स अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर x से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x की पावर 1 बाई टू, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, ये फॉर्मूला है। तो x की पावर क्या बनेगी, 1 प्लस 1 बाई टू, तो यहाँ पे x की पावर क्या बनेगी, 3 बाई टू। तो यही सेम मैं यहाँ लिख देती हूँ, x की पावर 3 बाय टू डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये x की पावर 1 बाय टू डी एक्स माइनस x की पावर 3 बाय टू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 1 बाय टू प्लस 1, नीचे भी 1 बाय टू प्लस 1, माइनस x की पावर 3 बाय टू प्लस 1, नीचे भी वही 3 बाय टू प्लस 1। तो अब देखिए ये बनेगा x की पावर 3 बाय टू, एलसीएम लेके फिर ये भी 3 बाय टू, माइनस ये बनेगा x की पावर 3 बाय टू बाय में 3 बाय टू, माइनस फिर ये 2, x की पावर 5 बाय टू डिवाइड बाय 5 बाय टू। अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 2 बाय 3 x की पावर 3 बाय टू, माइनस ये भी रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा 2 बाय 5 x की पावर 5 बाय टू प्लस सी।
प्लस सी लगाना जरूरी है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन लास्ट। तो ये इंटीग्रेशन के सम बहुत ही इजी हैं, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना इनको करेंगे, आपको उतना ही इजी लगेंगे ये। सिक्स्थ सम में देखिए, ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री कोस एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस टू डी एक्स। सबसे पहला स्टेप इनको अलग अलग करके लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे रियल नंबर दिया हुआ है, थ्री को बाहर ले लेंगे, अंदर कोस एक्स डी एक्स, इसमें फिर से रियल नंबर लगा हुआ, कोफिशियंट कॉन्स्टेंट है, फोर बाहर ले लेंगे, एक्स की पावर थ्री डी एक्स प्लस में टू को बाहर लेंगे, अंदर क्या रहेगा वन डी एक्स। तो देखिए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स प्लस में थ्री बाहर था, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स माइनस फोर, एक्स क्यूब का एक्स थ्री प्लस वन बाय में थ्री प्लस वन प्लस टू, और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वेरिएबल एक्स प्लस में सी, तो ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स माइनस फोर एक्स की पावर फोर बाई में फोर प्लस टू एक्स प्लस में सी। तो लास्ट स्टेप इसका क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन का, इसमें फोर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ई टू द पावर एक्स प्लस में थ्री साइन एक्स माइनस एक्स की पावर फोर प्लस में टू एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यही थी हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन, हमने सोल्व किए वन बाय वन, आगे और भी हम क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।